इस ग्रंथ की महिमा को चाहे कोई छोटा वक्ता सुनावे चाहे बड़ा वक्ता सुनावे, महिमा ग्रंथ की है। किसकी महिमा है? ग्रंथ की महिमा है। बोलो है कि नहीं? अब ये वक्ता का विवेक है कि उसका कितना अध्ययन है, वो अपने विवेक से सुना रहा है। लेकिन पहला संकल्प तो ये होना चाहिए कि वहां ग्रंथ रखा हुआ है और व्यास पीठ पर रखा है, हमें ग्रंथ का सम्मान करने जाना है। ये भाव लेके आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं? क्योंकि व्यास पीठ पर विराजित ग्रंथ। एक दुकान में मूर्ति रखी है, अलग महिमा है उसकी। लेकिन मंदिर में मूर्ति प्रतिष्ठापित हो गई, ये महिमा अलग है। बोलो है कि नहीं? ये व्यास पीठ पर ग्रंथ स्थापित हो चुका है, इसलिए महिमा और बढ़ गई। बढ़ गई है कि नहीं? घर घर में रामायण रखी है। वैसे यही रामायण तो तुम्हारे घर में भी है, यही तुलसीकृत रामायण है। गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा रचित रामचरित मानस ग्रंथ ही सबके यहां रखा है। रखा है कि नहीं? लेकिन जो घर में रामायण रखी है और जो व्यासपीठ पर रामायण रखी है, बोलो अंतर पाया जाएगा श्रद्धा में कि नहीं पाया जाएगा? एक बुक स्टॉल पर आप जाओगे, वहां भी रामायण रखी हुई है। रखी है ना? रामायण वही है, लेकिन यहां स्थापना हो चुकी है। क्या हो चुकी है? स्थापना। स्थापना हो गई है तो ग्रंथ की और महिमा बढ़ गई है। अभी हम सड़क पर मिल जाएं अलग बात है, लेकिन व्यासपीठ पर बैठे मिल जाएं अलग बात है। बोलो है अलग बात कि नहीं? स्थान का महत्व होता है प्यारे। संकेत यह है कि कथा हो रही है परंतु कुंभज कह रहे हैं। और तुलसीदास जी महाराज ये बताना चाहते हैं कि भगवान शंकर ये सिद्ध कर रहे हैं कि मैं भले ही संसार का सबसे बड़ा वक्ता हूं, लेकिन प्यारे चाहे कोई कितना ही बड़ा मर्मज्ञ क्यों ना हो जाए, लेकिन कथा अगर कुंभज मानी छोटा, घड़े का स्वरूप छोटा ही होता है, होता है कि नहीं? ज्यादा बड़ा करोगे तो बाल्टी दो बाल्टी पानी तक जो है ले जाओगे उसमें, और बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाए तो फिर घड़ा नहीं होगा वो, फिर तो टंकी हो जाएगी। क्योंकि घड़े की एक स्थिति होती है, ऐसा थोड़ी कि तुम उसमें 1000 लीटर पानी भर दो घड़े में, है? फिर तो टंकी ना बन जाएगी। घड़े का आकार होता है, उस आकार की भी एक सीमा होती है। होती है कि नहीं होती है? उसमें भी छोटा बड़ा घड़ा होता है, लेकिन फिर भी एक सीमा हो जाती है। लेकिन समुद्र की कोई सीमा नहीं होती है, घड़े की सीमा है। घड़े में जल भर दिया जाए, सीमा आ जाएगी जल में, लेकिन समुद्र में जल पहुंच जाए तो उसकी कोई सीमा नहीं रहेगी। घड़े में यदि जल आ जाए तो वो जल सीमा में आवद्ध हो जाएगा, बंध जाएगा सीमा में कि नहीं? और यदि वही जल समुद्र में पहुंच जाए तो फिर उसकी कोई सीमा नहीं होगी। तो नियम तो ये है कि घड़ा समुद्र के पास जाता है, लेकिन आज समुद्र जो है घड़े के पास जा रहा है। जा रहा है कि नहीं? आप कहो महाराज समुद्र समुद्र के पास जा रहा है, क्योंकि समुद्र के किनारे ही तो अगस्त जी रहते हैं, कुंभज जी कहां रहते? समुद्र के किनारे आश्रम है उनका, दक्षिण भारत में। अभी पिछले वर्ष हमारी, पिछले कोरोना के विगत 2-3 वर्ष पहले, कोरोना के पहले मेरी कथा रामेश्वरम में हुई थी, तो उसी क्षेत्र में अगस्त जी का कुंभज जी का आश्रम आता है, समुद्र के किनारे है। तो किसी ने कहा कि समुद्र, अगर भगवान शंकर ज्ञान के समुद्र हैं तो समुद्र के तट पर ही तो आश्रम है, आखिर समुद्र के समुद्र समुद्र के पास जा रहा है का? नहीं नहीं, समुद्र से मिलने नहीं जा रहे हैं, समुद्र का जल लेने नहीं जा रहे हैं, वो तो कुंभज से कथा सुनने जा रहे हैं। जा रहे हैं कि नहीं? इसका मतलब यह है कि भगवान शंकर ज्ञान के समुद्र हैं और कुंभज जो है ज्ञान के घट हैं। क्या है?
ज्ञान घट, सीमित ज्ञान, और शंकर जी के पास असीमित ज्ञान, और कुंभज के पास सीमित ज्ञान। अच्छा सही बात है, वैसे भी सोचो आप, भले ही वो ऋषि मुनि महात्मा हैं, तपस्वी हैं, लेकिन शिवजी कितना ज्ञान हो सकता है क्या किसी को? नहीं। परंतु कथा सुनने जा रहे हैं, सत्संग की बड़ी महिमा है। कितने ही बड़े ज्ञानी ध्यानी तुम क्यों ना बन जाओ, लेकिन यदि कानों तक ये आवाज पहुंच जाए कि कहीं कथा हो रही है तो वहां जरूर जाओ। ये मत देखो कि अरे ये छोटे मोटे वक्ता हैं, इनकी क्या सुनेंगे। ग्रंथ का सम्मान करने जाओ। किसका सम्मान करने? ग्रंथ का सम्मान करने जाइए। आप जाना चाहिए धर्म।